टीम इंडिया में शामिल होने के बाद हैदराबाद के युवा तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने अपनी कई ख्वाहिशों को साझा किया है। साथ ही अपने पिता से ये ना करने की गुजारिश भी है। कहते हैं ना, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में उड़ान होती है। ऐसा ही सिराज के साथ हुआ। एक गरीब परिवार का लड़का जिसके पिता ऑटो चलाते थे और वे अब टीम इंडिया की तरफ से खेलने जा रहा है। गौरतलब है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज मैच के लिए टीम इंडिया में सिराज को शामिल किया गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक सिराज ने कहा, मैं 23 साल का हूं और मैं अब अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए सक्षम हूं। मैंने अपने पिता से कहा कि अब आपको ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि अब हमने अपने परिवार के साथ नए घर में शिफ्ट किया है। सिराज ने आगे कहा, मैं उम्मीद कर रहा था कि नेशनल टीम से मेरे पास कॉल आएगा, मगर इतना जल्दी आ जाएगा ऐसा कभी नहीं सोचा था। मैं बता नहीं कह सकता कि कितना खुश हूं। उन्होंने कहा, जब मैंने इसके बारे में अपने माता पिता को बताया तो वे स्पीचलेस हो गए और इसी के साथ मेरा यह सपना साकार हो गया। बता दें कि सिराज का जीवन काफी मुश्किल में बीता है। हालांकि सिराज के पिता ऑटो चालक हैं, लेकिन वे अपने बेटे को जिंदगी में कभी भी पैसों की कमी महसूस नहीं होने दी। उन्होंने सिराज के लिए सब कुछ किया जो एक पिता की जिम्मेदारी होती है। उन्होंने सिराज को किसी भी चीज की कमी नहीं खलने दी। वैसे सिराज की ख्वाहिश है कि वे अपने माता पिता के लिए हैदराबाद के पॉश इलाकों में एक घर खरीद सके। मालूम हो कि मोहम्मद सिराज को IPL के 10वें सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद ने उन्हें 2.6 करोड़ में खरीदा था। 23 वर्षीय सिराज ने IPL में बेहतर प्रदर्शन भी किया। T20 में उन्होंने IPL को मिलाकर अब तक 16 मैचों में 26 विकेट लिए हैं। वहीं सिराज ने अब तक 14 प्रथम श्रेणी में 53 तथा 13 लिस्ट ए क्रिकेट मैचों में 20 विकेट लिए हैं।